गाइस वेलकम टू माय चैनल ग्लैड विद उजाला। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमेशा की तरह मीशो हॉल। एंड मीशो हॉल में आज थोड़ी सी स्पेशल आउटफिट है। आज जो है ना कुछ स्कर्ट सेट दिखा रही हूँ आपको, कुछ शरारा है, कुछ गाउन है, बहुत ही सुंदर सुंदर आउटफिट हैं। एंड कुछ जो है वो ज्वेलरी भी है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में। ओके तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर ले। ओके एंड मेरे चैनल पे चल रही है गिव अवे, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, इमोजीज जो आते हैं ना वीडियो में कहीं कहीं पे उसे काउंट करने होते हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होता है, ठीक है। वैसे तो 30 नवंबर या फिर 1 दिसंबर को मैं विनर अनाउंस कर दूंगी, बट उसके बाद भी फिर एक और गिव अवे आएगी। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड जो भी आउटफिट मैं दिखाती हूँ वो सारे ही रीसेलिंग में होते हैं। रीसेलिंग में लेने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होता है प्रोडक्ट की स्क्रीनशॉट के साथ। ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ये कुछ ज्वेलरी पीसेज है जो मैं बहुत सारे आउटफिट के साथ ट्राई करने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना थोड़ा मतलब समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि इसकी स्टोन वाकई में अच्छी है या नहीं, निकलेगी या नहीं, तो अच्छे से आपको डिटेल रिव्यू दे सकूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की पैकेजिंग में आई थी, इस तरह की एक और पैकेजिंग थी जिसमें दूसरी इयररिंग थी, वो पैकेजिंग मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो चलो आपको वन बाई वन में ज्वेलरी दिखा देती हूँ। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की इयररिंग है, बहुत ही सुंदर इयररिंग है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत हाई क्वालिटी है गाइस, ये आप देखो कुछ इस तरह की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसमें लाइट पिंक एंड स्काई ब्लू स्टोन लगे हुए हैं, आई मीन पर्ल लगी हुई है बड़ी वाली, एंड कुंदन के वर्क में है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड काफ़ी लाइट वेट है। तो ये मुझे आई थिंक 500 समथिंग की मिली थी। ओके नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी मैंने लेवेंडर, ये मैंने लाइलैक कलर में लिया है क्योंकि बहुत सारे आउटफिट इस कलर में आ रहे हैं ना, तो उसके साथ ट्राई ऑन करने के लिए। ये आप देखो कुछ इस तरह की, ये भी बहुत सुंदर है। ये जो है ना मीनाकारी एंड पर्ल के कॉम्बिनेशन में है, इसकी भी लुक बहुत सुंदर है। इसे आप किसी भी इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी एंड एथनिक के साथ तो जाएगी ही जाएगी। ओके तो ये हो गई कुछ ज्वेलरी जिसे मैं अच्छी तरह डाल देती हूँ, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली हो गई ज्वेलरी, साइड कर दो। तो चलो अब आपको मैं आउटफिट दिखाती हूँ, स्टार्ट करते हैं सरारा से। इतनी सुंदर सरारा है ना क्या बताऊँ, सरारा नहीं ये प्लाजो है। इसकी जो बॉटम है ना उसमें प्लाजो आपको मिलेगी, बट जो बॉटम है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड वाली है, मतलब इसकी फ्लेयर इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल सरारा या फिर स्कर्ट की लुक दे रही है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले, ये आप देखो कुछ इस तरह की है, बहुत सुंदर ग्रीन कलर है ये। ओके तो शरारा सॉरी कुर्ती आप देखो कुछ इस तरह की, इस पर साइज एक्सेल मेंशन है, आप देखो ये एक्सेल साइज में है। इस पर बहुत ही अच्छे थ्रेड के वर्क एंड सीक्वेंस के वर्क हो रखे हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही है। बैक साइड आप देख सकते हो, बैक साइड पे कोई भी वर्क नहीं है। स्लीव्स जो है ना इस पर भी आपको थ्रेड एंड सीक्वेंस के वर्क मिलेंगे, कट स्लीव्स मिलेगी आपको इसमें, राउंड नेक के साथ है ये। इसमें आपको मिलती है आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग, काफ़ी अच्छी खासी इंटरलॉकिंग हो रखी है एंड इनर का फेब्रिक भी आपको मिलता है क्रेप मटेरियल में। ओके और इसकी जो बॉटम है ना वो मैं आपको दिखा दूँ, इसकी बॉटम आप देख सकते हो कुछ इस तरह की प्लाजो देख सकते हो, प्लाजो है, काफ़ी अच्छी घेर है इसकी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इलास्टिक आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल है और इसकी भी सिलाई काफ़ी अच्छी हो रखी है, ये आप देख सकते हो, इंटरलॉकिंग मिलती है एंड इनर का फेब्रिक भी मिलता है आपको। एंड इसके साथ मुझे दुपट्टा भी मिली है, ये आप देख सकते हो जॉर्जेट फेब्रिक में है एंड सेम वर्क आपको बॉर्डर्स पर मिल जाती है इसकी। ओके तो इसकी भी लुक बहुत सुंदर लग रही है, इसे भी आप ट्राई करके देखना। मैं साइड में ना ट्राई ऑन दिखाती जाऊंगी सारे ही ड्रेसेस की, तो आप देख लेना। ओके नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ ये एक शरारा है, ये बहुत ही सुंदर लाइलैक कलर में है। मैंने आपको बताया था ना मैंने ज्वेलरी लाइलैक में क्यों लिया है, क्योंकि इस तरह की आउटफिट अभी बहुत आ रहे हैं, तो मैंने एक शरारा लिया है जो सेम कलर में है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की
कुर्ती है इसकी, इसके ऊपर आपको सीक्वेंस के वर्क एंड जरी के वर्क मिलेंगे। बॉटम में आप देख सकते हो, बॉटम में आप देख सकते हो सेम आपको गोल्डन जरी वर्क एंड सीक्वेंस के वर्क मिल जाते हैं। बैक साइड आप देख सकते हो बिल्कुल ही प्लेन है एंड ये फ्री साइज में है, आप इसे अपने साइज में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग हो रखी है एंड इनर का फेब्रिक भी आपको मिल जाता है। ओके एंड इसमें जो है ना आपको बहुत ही सुंदर सी शरारा मिलती है, ये आप देख सकते हो शरारा की जो घेर है ना यहाँ पे आपको वर्क मिलते हैं सीक्वेंस के एंड जरी के। ओके इसकी इलास्टिक आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल है एंड इसमें आपको जो स्टिचिंग है ना काफ़ी अच्छी मिलती है, इंटरलॉकिंग मिल जाती है आपको इसमें, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी। इसके दुपट्टा आप देखोगे ना आपको प्यार ही हो जाएगा इस आउटफिट से, तो ये आप देखो इसके दुपट्टा ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है एंड बहुत प्यारा वर्क है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर वर्क है इसके ऊपर, आप देख सकते हो थ्रेड एंड सीक्वेंस के वर्क है। लुक वाइज तो ये बहुत सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एंड जो फैब्रिक है ना ऑर्गेन्जा की जॉर्जेट के साथ बहुत अच्छी लग रही है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर आउटफिट है। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है, प्राइस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे लिया गया है, बहुत ही रिजनेबल है। ओके तो दिखा रही हूँ ये गाउन है वाइट कलर में, इसकी मैंने पिंक कलर भी दिखा रखी है, ठीक है अब मेरे पास ये वाइट कलर में आ गई है तो दिखाना तो बनता है ना, तो ये आप देख सकते हो व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर में है ये एंड इसके ऊपर गोल्डन जरी वर्क हो रखी है। स्लीव्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्लीव्स है, 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आपको सेम वर्क मिलेंगे एंड यहाँ आप देख सकते ये चंदेरी फैब्रिक में। ओके बॉटम इसकी देखोगे ना इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे सीक्वेंस के वर्क हो रखे हैं एंड इसमें जो है ना एंड इसमें आपको इनर का फैब्रिक भी मिलता है। ओके एंड इसमें आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग खुली हुई है, ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, अच्छी इसलिए भी लग रही थी क्योंकि इसकी जो दुपट्टा थी ना वो और भी ज़्यादा सुंदर थी। ये आप देखो इसके दुपट्टा कॉम्बिनेशन तो इतनी सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये आप देखो पिंक ऑरेंज एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में इस पर लहरिया प्रिंट हो रखे हैं एंड ये आप देख सकते हो जरी एंड सीक्वेंस के वर्क हैं इसके ऊपर। लुक वाइज तो ये बहुत अच्छी है, सी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। ओके इसकी जो प्राइस है ना एंड मीशो प्राइस स्क्रीन पर मिल जाएगी एंड मीशो की कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके तो चलो अब आपको नेक्स्ट आउटफिट दिखाते हैं, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इतनी सुंदर एंड इतनी डिमांडिंग आउटफिट है मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी इसकी रिव्यू कब करोगे कब करोगे, सीरियसली अगर आज एक लड़की ने मुझे याद नहीं दिलाया होता ना मैं आज भी इसकी रिव्यू नहीं करने वाली थी, मेरे पास और भी कपड़े आ गए थे, मैंने सोचा था उसकी रिव्यू कर देती हूँ, तो फाइनली मैं इसकी रिव्यू कर देती हूँ, बहुत ही अच्छी आउटफिट है ये। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, मॉव कलर की है ये और ये जो है ना स्कर्ट एंड टॉप कुर्ती का सेट है ये, ठीक है इसमें आपको दुपट्टा भी मिलता है, दिखा दूँ आपको, आप देख सकते हो इसमें आपको एक्स्ट्रा स्लीव्स का कपड़ा भी मिलता है, सी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्लीव्स का स्लीव्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिया गया, आप इजिली इससे अपनी स्लीव्स बनवा सकते हो। ओके एंड इसमें आप देख सकते हो आपको दुपट्टा मिलता है 2.5 मीटर का। ओके जॉर्जेट फैब्रिक है, मॉव कलर है एंड साइड्स में ना कुछ तरह की गोल्डन गोटा पट्टी मिल जाती है, ठीक है इसकी भी लुक काफ़ी अच्छी है। कुर्ती दिखाती हूँ मैं आपको, कुर्ती आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, बहुत सुंदर कुर्ती है, इसके ऊपर भी सीक्वेंस एंड जरी के वर्क हो रखे हैं, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, फुल कुर्ती पे आपको वर्क मिलती है फ्रंट एंड बैक दोनों में ही, सी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। साइड सेट मिलते हैं आपको इसमें एंड इसमें जो है ना आपको काफ़ी अच्छी इंटरलॉकिंग भी मिल जाती है आप देख सकते हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें इनर का फैब्रिक भी आपको मिल जाता है एंड इसके साथ जो स्कर्ट है ना वो मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्कर्ट मिलती है आपको, स्कर्ट की बॉटम में ना आपको इस तरह की सीक्वेंस के वर्क मिलते हैं, जरी के वर्क मिलते हैं, ठीक है और इसमें आपको इनर का फैब्रिक भी मिल जाता है और ये जो स्कर्ट है ना सेमी स्टिच है, इसे आपको अपने साइज में स्टिच करवानी पड़ेगी, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ओपन है स्कर्ट, इसे बस आपको साइज में स्टिच करवानी होगी और फिर ये बहुत सुंदर लगने वाली है। कभी कभी कुछ कुछ आउटफिट आते हैं ना जो हमें भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने एक येलो कलर की ना राजस्थानी आउटफिट दिखाया था बहुत पहले, लाइक 1 मंथ पहले,
जो मैंने अपने साइज में भी लिया था और एक बड़े साइज में भी लिया था, तो एक तो मैंने रीसेल कर दिया और एक मैंने खुद के लिए रखा है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये आप देख सकते हो नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट जो है ना ये इस तरह की कुर्ती है, इस तरह की कुर्ती आप देख सकते हो मरून कलर की है, इसके ऊपर ना व्हाइट थ्रेड वर्क है, इस पे और कोई वर्क नहीं, बस थ्रेड वर्क आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हो बैक साइड, आप देख सकते हो प्लेन है, बैक साइड में कोई भी वर्क नहीं है। स्लीव्स आप देख सकते हो 3-4 स्लीव्स है एंड ये मैंने लिया है एल साइज में। और ये आप देख सकते हो इसकी इंटरलॉकिंग काफी अच्छी हो रखी है। आपको बहुत ही अच्छी पैंट मिल जाती है, ये आप देख सकते हो पैंट की जो बॉटम है ना इसमें काफी हार्ड कैन कैन काइंड ऑफ दी गई है और इसकी स्टिचिंग भी काफी अच्छी इंटरलॉकिंग के साथ मिलती है आपको। और इसमें आपको जॉर्जेट का दुपट्टा मिलता है, दुपट्टे पे भी आपको सेम वर्क मिलते हैं थ्रेड के, ये आप देख सकते हो सी मरून कलर में है, व्हाइट कलर की थ्रेड वर्क है इसके ऊपर, तो ये भी काफी सुंदर लगेगी, इसे भी आप ट्राई करना, बहुत अच्छी लुक है इसकी। एंड मैं पहनकर साइड में दिखा दूंगी, आप देख लेना, अगर अच्छी लगी तो आप ले सकते हो। ओके ये थी गाइज मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना एंड मिलती हूँ मैं इसी तरह की हॉल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।